खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मां ने दरिंदे को सौंप दी मासूम बेटी। वीडियो कॉल कर मां ने युवक के कपड़े उतरवा बच्ची को दिखाए, घर बुला कमरे में बेटी से करने दी अश्लील हरकतें। पापा को बताने पर मारने की दी धमकी। जयपुर में एक शर्मनाक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी मां ने अपनी 11 साल की बेटी को 31 साल के युवक के साथ कमरे में ले गई। युवक ने मां के सामने ही उसके साथ अश्लील हरकतें की, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। युवक ने पापा को ये बात बताने पर बच्ची को धमकी देकर डराया, इसके बाद वह फरार हो गया। बच्ची ने पापा के घर पहुंचने पर पूरी बात कही। ये बात सुनकर घर में कोहराम मच गया। इसके बाद बगरू थाने में पहुंच युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के बयान दर्ज करवा लिए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मां की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। बगरू थाना अधिकारी रतनलाल ने बताया कि छितरौली बगरू के रहने वाले रमेश गठाला के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि बगरू के रहने वाले बच्ची के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि उसकी 11 साल की बच्ची है। रमेश का उनके घर पर आना जाना है। रमेश बच्ची को अक्सर बुरी नजर से देखता रहता था। बच्ची ने इसकी शिकायत माँ को की, तब माँ ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, देखने दो। वे अक्सर उसे गंदी नजरों से देखता रहता था। माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। आरोपी रमेश पहले होटल का कमरा काम करता था, अब कुछ नहीं करता है। वह रिश्तेदार ही लगता है। वीडियो कॉल पर उतरवाए कपड़े। बच्ची के पिता मोबाइल की दुकान करते हैं। वह सुबह दुकान पर चले जाते हैं, इसके बाद शाम को आते हैं। बच्ची घर में अकेली थी, तब माँ ने रमेश को वीडियो कॉल किया। उसने बच्ची को पास में बुलाया। उसके बाद बच्ची के सामने ही रमेश को एक एक कपड़े खोलने के लिए बोला। रमेश ने सारे कपड़े उतार दिए। बच्ची जाने लगी तो उसे जबरन रोक लिया। इसके बाद भी कई बार मां ने बच्ची के सामने ही रमेश के वीडियो कॉल पर कपड़े उतरवाए। वीडियो कॉल कर वह उसे बुला लेती थी, घर बुलाकर कमरे में ले गई। मां ने एक दिन रमेश को घर पर बुला लिया। घर पर कोई नहीं था। पहले तो रमेश के साथ मां बात करती रही, इसके बाद मां ने उसे बुलाया और रमेश के साथ कमरे में बुलाकर ले गई। उनके अलावा घर में कोई नहीं था। कमरे में ले जाकर रमेश ने मां के सामने ही उसके सीने पर हाथ लगाया। वह घबरा गई, तब उसके कपड़े खोलने लगा, उसके सारे कपड़े उतार दिए। कपड़े उतार कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस दौरान मां वहीं पर सब कुछ देखती रही। बच्ची ने विरोध किया तो उसे मारने की धमकी दी। धमकी देकर कहा कि पापा को कोई भी बात नहीं बतानी है। युवक चला गया तो बच्ची ने पापा के घर आने पर पूरी बात कही। घर में कोहराम मच गया। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने बच्ची के बयान दर्ज कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।